बजट 2019 के लिए यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने पीयूष गोयल का धन्यवाद किया है। राजेश अग्रवाल ने कहा है कि मैं बधाई देना चाहूंगा पीयूष गोयल जी को, जिन्होंने हर वर्ग की चिंता की है। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल से बात की जी मीडिया संवाददाता राजेश श्रीवास्तव ने। बजट के बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश में 7 तारीख को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। हमारे साथ सूबे के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल जी हैं। तो राजेश अग्रवाल जी, क्या उम्मीदें करें लोग इस बार बजट से? हमने तो उम्मीदें की है और सुना है, कहावत है, महाजना यूनगता सपन था। मेरे महाजन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने बजट रखा है पार्लियामेंट में पीयूष जी के माध्यम से वित्त मंत्री के रूप में। तो जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, मेरा रास्ता वही है। जो बात होती रही है कि जो पेट्रोल है, डीजल है, इस पर अगर केंद्र प्रदेश सरकार कुछ वैट और कम करे तो कुछ दामों में गिरावट आ सकती है, क्या बजट में इस बार कुछ ऐसी उम्मीद है? मैं इतना कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आज भी पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस जो हैं वो भारतवर्ष की 2-3 स्टेट्स ऐसी हैं जिनसे ज़्यादा है, बाकी सबसे हम कम हैं। एक आखिरी सवाल है कि केंद्र के बजट में 1.5 लाख करोड़ का करीब खजाना जो है इस बार उत्तर प्रदेश के हिस्से में आया है, इससे कुछ उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति रही है लंबे समय से, जो कुछ सुधार होगा क्या? निश्चित रूप से जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कार्य करना प्रारंभ किया है तो योगी जी के नेतृत्व में हमने जो है वो हमेशा आगे गए हैं। 36,000 करोड़ रुपये का किसानों को हमने जो सहयोग किया वो अपने में अद्भुत था, अनोखा था। पूरा भारतवर्ष देख रहा था कि कैसे हो रहा है, उसको हमने किया। हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, हमने कहीं पर कोई भी योजना में कटौती नहीं की और वही परंपरा बराबर भी है। चुनावी वर्ष है इस बार, तो कुछ चुनावी बजट होगा? आगे आगे देखिए होता है क्या। धन्यवाद। ये तो वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल जी जो कह रहे हैं आगे आगे देखिए होता है क्या। कैमरामैन रंजन के साथ राजीव श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।